यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आपको बता दें कि कसौली गोलीकांड मामले को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त, जहां पर पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी गुलाब सिंह ने दम तोड़ दिया है। 13 दिन से इलाज चल रहा था चंडीगढ़ पीजीआई में, लेकिन इलाज के दौरान अब उन्होंने दम तोड़ा है। ये बड़ी खबर इस वक्त कसौली गोलीकांड को लेकर चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें कि 13 दिन से पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी गुलाब सिंह का चंडीगढ़ पीजीआई में इलाज चल रहा था, लेकिन अब इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है। हालांकि इससे पहले हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उनसे मिलने के लिए चंडीगढ़ पीजीआई आए थे, और अब उन्होंने 13 दिन के इलाज के बाद में दम तोड़ दिया है। और आपको बता दें कि कसौली में का ये मामला है, जहां पर जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और कर्मचारी एक अवैध निर्माण को तोड़वाने के लिए पहुंचे थे, एक होटल के अवैध निर्माण को तोड़वाने के लिए पहुंचे थे, तो वहां पर एक महिला अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी होटल मालिक की ओर से। तो वहीं पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी भी गुलाब सिंह इसमें घायल हुआ था, और जिसका इलाज चल रहा था चंडीगढ़ पीजीआई में, और 13 दिनों से इलाज चल रहा था, लेकिन अब 13 दिन के इलाज के बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया है। हालांकि इससे पहले हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उनसे मुलाकात करने के लिए, हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे चंडीगढ़ पीजीआई में, लेकिन अब इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है। और ज्यादा जानकारी इस पर लेंगे कुमार रमेश, हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। कुमार रमेश, क्या कुछ अपडेट है खबर पर? देखिए, गुलाब सिंह की मौत हो गई, और गुलाब सिंह दरअसल उस महिला अधिकारी के साथ था जब ठाकुर जो होटल मालिक था उसने गोली चलाई थी, तो एक गोली इनको भी लगी थी और ये घायल हो गए थे। इनको पीजीआई यहाँ पे चंडीगढ़ एडमिट कराया गया, और इस पीजीआई चंडीगढ़ में उनका काफी दिन इलाज चला, और पीछे पूर्व के समय जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर वो भी आए थे देखने यहाँ पर, और अब जो है इनकी मौत हो गई है। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका है और विजय सिंह ठाकुर के लिए जो होटल के मालिक थे, अब उन पर एक और मुकदमा बन गया, यानी कि दो हत्याओं का केस दर्ज हो गया। जी, दो हत्याओं का केस जो है उनके ऊपर दर्ज होगा। कुमार रमेश, इसके साथ ही चूंकि चंडीगढ़ पीजीआई में वो रेफर, यहाँ पर उनका इलाज चल रहा था, यहाँ भर्ती थे, तो ऐसे में अब उनका जो शव है, मृतक शरीर है, वो जो है कब तक पहुंचेगा हिमाचल में, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है? देखिए, उनकी डेथ के बाद उनके जो पेपर प्रोसीडिंग है वो शुरू हो जाएगी, और पेपर प्रोसीडिंग के बाद उनके डेड बॉडी को या तो हिमाचल गवर्नमेंट चाहेगी तो यहाँ पे उनका पोस्टमार्टम होगा, अगर यहाँ नहीं चाहेगी तो फिर वो जहाँ पर करवाना चाहे हिमाचल में वहाँ पोस्टमार्टम हो सकता है। तो पोस्टमार्टम होने के बाद उनके डेड बॉडी को उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा, और उसके बाद आप समझ सकते हैं अगली प्रोसीडिंग शुरू होगी, और कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है वो एक सम्मान के साथ जो है उनको अंतिम विदाई देगी, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी के तहत करते हुए जो अपना कर्तव्य निभाया और जो उनकी शान गई है वो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए सम्मान की बात है। प्रदेश में ये एक संदेश है कि अपनी ड्यूटी को निभाते हुए जो है एक जवान जो शहीद हुआ, तो इन चीजों को देखते हुए प्रदेश सरकार उनको सम्मान के साथ जो उनके अंतिम संस्कार की कार्रवाई कराई थी। अभी ये सारी जो प्रोसीडिंग है, पेपर प्रोसीडिंग है, वो पीजीआई में चल रही है, और इसके बाद जो है आगे कार्रवाई होगी। करीब कितने बजे तक जो है उनका जो मृतक शरीर है वो पहुंचेगा हिमाचल? देखिए, माना जा रहा है कि दोपहर बाद ही पहुंचने की उम्मीद है, और क्योंकि अभी जो उनके अधिकारी है हिमाचल गवर्नमेंट के वो लोग पहुंचे हैं वहां पर, और वो अपने तरीके से प्रोसीडिंग कर रहे हैं, और उसके बाद जब यहाँ सारा कुछ कागजी कार्रवाई होगी फिर यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए उनको लेकर जाया जाएगा, और उसके बाद ही पहुंचेंगे, माना जा रहा है कि दोपहर के बाद ही पहुंचेंगे। जी कुमार रमेश, क्या मृतक गुलाब सिंह के परिजन जो है वो यहाँ पर आएंगे, उनके घर वाले यहाँ पर आएंगे, या फिर जो राज्य सरकार है उसकी ओर से ही पूरा जो है कागजात हो वो पूरे करवाए जाएंगे, और साथ ही जो उनका मृतक शरीर है उसको लेकर जाया जाएगा हिमाचल तक? देखिए, गुलाब सिंह के परिजन यहाँ हैं ऑलरेडी, और जब उनका इलाज चल रहा तब भी वो अवेलेबल थे, और जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनसे मिलने आए थे तब भी वो यहाँ पर थे, तो प्रेपर प्रोसीडिंग में परिवारजनों की सहमति और रजामंदी जरूरी होती है, इससे उनके परिवारजनों के अनुसार ही जो है सिस्टम को अडॉप्ट किया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार इसमें हर तरीके से सहयोग देने के लिए साथ है,
और तभी मुख्यमंत्री जो जयराम ठाकुर, उन्होंने कहा था कि हम इनके साथ हैं और जो जितने भी जो गलती की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जब उनकी मौत हो गई है तो गुलाब सिंह की, तो अब कहीं ना कहीं राज्य सरकार तो जो बड़े अधिकारी हैं वो सहयोग करके यहाँ से डेड बॉडी को लेके जाएंगे और उनके परिजन भी साथ होंगे। तो गुलाब सिंह के परिजन ऑलरेडी हैं यहाँ पर और उन लोग साथ ही जाएंगे उनके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कुमार रवेश तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती थे गुलाब सिंह, जिनका इलाज चल रहा था और बीते 13 दिनों से इलाज उनका चल रहा था चंडीगढ़ पीजीआई में, लेकिन अब आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया है। और साथ ही से पहले हालांकि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उनसे मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे चंडीगढ़ पीजीआई में, लेकिन अब उन्होंने दम तोड़ दिया है। तो ऐसे में अब दो हत्याओं का केस जो है वो होटल मालिक पर चलेगा, जिसे हिरासत में भी ले लिया गया था। और साथ ही अभी जो कागजात का वर्क है वो चल रहा है पीजीआई में, पेपर वर्क चल रहा है, जिसके बाद में दोपहर बाद हिमाचल पहुंचेगा मृतक गुलाब सिंह का शव। तो आपको बता दें कि कसौली का ये पूरा मामला है, जहां पर कसौली में जब अवैध निर्माण को तोड़वाने के लिए महिला अधिकारी पहुंची थी तो वहां पर होटल मालिक ने गोली मारकर महिला अधिकारी की हत्या कर दी थी। और इसके साथ में ही यहां पर आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी गुलाब सिंह को भी गोली लगी थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तस्वीर में आप गुलाब सिंह को देख रहे हैं जो कि पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी है, जिसको गोली लगी थी इसी कार्रवाई के दौरान में। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आपको महिला अधिकारी जो है वो आपको नजर आ रही है, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और ये होटल मालिक भी आपको में नजर आ सकता है, जिसने चेक शर्ट पहनी है। और इस होटल मालिक ने ही यहां पर गोली जो है अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से चलाई और महिला अधिकारी की यहां पर मौत हो गई थी गोली लगने से। तो वहीं पर गुलाब सिंह को भी गोली लगी, जिसका इलाज जो है बीते 13 दिनों से चंडीगढ़ पीजीआई में चल रहा था। और ऐसे में हालांकि होटल मालिक जो है वो भी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन अब दो हत्याओं का केस जो है वो चलेगा होटल मालिक के ऊपर में। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कसौली में अवैध निर्माण को तोड़वाने का ये पूरा मामला है, जब अवैध निर्माण को तोड़वाने के लिए पहुंचे थे महिला अधिकारी और साथ में पीडब्ल्यूडी की कर्मचारी, तो यहां पर होटल मालिक की ओर से गोली चलाई गई थी।